उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां पीएम मोदी प्रयागराज में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में लगे थे, तो उसी दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने गढ़ मैनपुरी से चुनावी हुंकार भर रहे थे। समाजवादी पार्टी की 8वीं चरण की विजय रथ यात्रा को लेकर अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे। मैनपुरी में उनकी यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां सभा को संबोधित करने से पहले प्रदेश के पूर्व सीएम ने लोगों का आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन की शुरुआत अखिलेश यादव ने मैनपुरी की जनता की तारीफ करते हुए की, जहां उन्होंने कहा कि मैनपुरी ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। जब भी बदलाव की बात हुई है तो मैनपुरी ने हमेशा योगदान दिया है। अखिलेश ने कहा कि 2022 में बीजेपी सरकार को हटाने के लिए आपके योगदान की अपील करने आया हूँ। अखिलेश ने साथ ही कहा कि अगर प्रदेश की जनता की समस्याओं का कोई समाधान कर सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी। अगर कभी कोई बदलाव की बात आई होगी तो यहीं के जनता ने साथ देकर के बदलाव और परिवर्तन लाने का काम हुआ है। आज फिर जब हम लोग चुनाव में जा रहे हैं तो आपसे हम अपील करने आए हैं और आपसे सहयोग मांगने आए हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी जिसने जनता को परेशानी दी है, जनता के सामने दिक्कतें पैदा की हैं, इनके हर फैसले ने किल्लत पैदा की है, आम लोगों को जिल्लत का सामना करना पड़ा है, ऐसी सरकार को हटाने के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि चाहे हमारे टीटी वाले हों, छात्र नौजवान जिनकी परीक्षा निरस्त हो गई, चाहे बीपीएड वाले हों, बीएड वाले हों, बीटीसी वाले हों, हम लोग इनकी मदद करने का काम करेंगे जिससे इन्हें नौकरी और रोजगार के अवसर मिल सके। ये हमारे शिक्षा मित्र वाले समाजवादी थे तो सम्मान दिया था, इनको सम्मान देने का काम किया था। अगर कोई आपकी समस्या का समाधान कर सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं, जो आपकी समस्या का भी समाधान कर करके और तमाम नौजवानों को नौकरी और रोज दिलाने का काम करेंगे। जनता से चुनावी वादे के साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने महंगाई को लेकर बीजेपी पर तंज कसा, साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि ये उपयोगी मुख्यमंत्री नहीं, ये सिर्फ रंग और नाम बदलने में उपयोगी है। और यही भाजपा के लोग कहते थे, गरीब हमारा किसान चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, हमारा गरीब हवाई जहाज में नहीं चल पाया। लेकिन जब से डीजल पेट्रोल महंगा किया है तब से हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है। वो तीन तीन महीने में 600 गुना कमाई कर रहे हैं, 600% कमाई कर रहे हैं। अभी हाल में ही अखबारों ने लिखा, कुछ लोगों ने बहुत थोड़ा सा, कि डीजल और पेट्रोल की कीमत जो बढ़ाई जा रही है उसमें कुछ कंपनियों को 600% मुनाफा हुआ है। ये उपयोगी सरकार नहीं है, ये शिक्षा मित्र बताएंगे कि उपयोगी है कि अनुपयोगी है। इसलिए आपसे पूछने आया हूं कि आपको योगी सरकार चाहिए कि योग्य सरकार चाहिए, और ये इतने अनुपयोगी मुख्यमंत्री हैं, केवल एक जगह उपयोगी है, रंग बदलने में उपयोगी हैं। कोई स्कूल बना होगा, कोई संस्था बनी होगी तो बस उसका रंग बदल देंगे, यही उपयोग है मुख्यमंत्री जी का। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां धुआंधार प्रचार में लगी है। समाजवादी पार्टी इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है, तो अखिलेश यादव लगातार छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे हैं। अपनी विजय रथ यात्रा से प्रदेश के सभी जिलों में पहुंच रहे हैं और जनता से चुनावी वायदे कर रहे हैं। हालांकि उनका ये विजय रथ समाजवादी पार्टी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाएगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।